नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर हमारे YouTube चैनल पे। आज हम करने जा रहे हैं Noise ColorFit Pro 3 की अनबॉक्सिंग। देखते हैं क्या आपको इसको खरीदना चाहिए और क्यों खरीदना चाहिए। पर सबसे पहले, अगर आप चैनल पे नए हो तो वीडियो पे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को ताकि आपको लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का अपडेट मिल सकते। पैकेट खोलते ही हम देख सकते हैं Noise की तरफ से Noise का आवाज जो उनको मिला है। पीछे की तरफ हमें एडिशनल फीचर्स देखने को मिलता है। गाइस, अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए। पैकेज खोलते ही हमें अंदर एक और बॉक्स देखने को मिलता है। Noise का पैकेजिंग बहुत प्रीमियम है। और बॉक्स के अंदर हमें वारंटी कार्ड, थैंक यू नोट और हमें एक मैनुअल दिया जाता है। ये मैनुअल का कोई ज़रूरत नहीं क्योंकि कोई उसको पढ़ता नहीं है, पर फिर भी हमें देते हैं। उसके नीचे हमें ColorFit Pro 3 देखने को मिलता है और सबसे पहले देखने पर गाइस, ये बहुत अच्छा वॉच है। बहुत अच्छा डिज़ाइन, बहुत अच्छा बिल्ड क्वालिटी से बना है। वॉच पैकेज के नीचे हमें चार्जर देखने को मिलता है और ये चार्जर पूरा मैग्नेटिक है। हम उसके बारे में वीडियो के बीच में बात करेंगे। अभी हम देखें उसका डिज़ाइन क्वालिटी को। Noise ने हमें 1.55 इंच का ट्रू व्यू डिस्प्ले दिया है और इसका सिलिकॉन स्ट्रैप का क्वालिटी भी बहुत अच्छा प्रोवाइड किया है। इसे हम लॉन्ग टाइम भी पहन सकते हैं, हाथों में कोई इरिटेशन कुछ नहीं होता। Noise के पास एडिशनल बहुत स्ट्रैप एक्सेसरीज का ऑप्शंस है। वॉच की पीछे की तरफ हमें चार्जिंग पोर्ट, हार्ट रेट सेंसर, SPO2 सेंसर देखने को मिलता है। जी हाँ, इस वॉच में Noise ने SPO2 का भी फीचर इंक्लूड किया है। ColorFit Pro 3 को चार्ज करने के लिए हमें उसका USB को अडेप्टर में डालना है। उसके बाद उसका मैग्नेटिक चार्जर को स्मार्ट वॉच के पीछे वाला मैग्नेटिक पिन्स के साथ कनेक्ट करना है, कुछ इस तरह से। वॉच को सेटअप करने के लिए सबसे पहले हमें Noise डाउनलोड करना पड़ेगा। इसको हम प्ले स्टोर या एप स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं या तो पीछे की तरफ QR कोड को स्कैन कर सकते हैं। मैं QR कोड स्कैन करके बताता हूँ आपको। Noise Fit ऐप देखने पर आपको उसको डाउनलोड करना पड़ेगा। डाउनलोड करने के बाद वो ओपन कीजिए और सब पॉपअप नोटिफिकेशंस को अलाउ कीजिए। उसके बाद हमें वॉच का क्राउन बटन को दबाना है जब तक हमें QR कोड देखने को नहीं मिलता है। उसके बाद हमारा फोन से पेयर ऑप्शन को दबाइए और उस QR कोड को स्कैन कीजिए। स्कैन होने पर हमारा वॉच ऑटोमेटिकली हमारे मोबाइल से पेयर हो जाएगा। अभी हम जल्दी से Noise Fit ऐप को सेटअप करते हैं हमारे स्पेसिफिकेशंस के ऊपर से। Noise ने हमें 1.55 इंच का ट्रू व्यू डिस्प्ले दिया है। राइट स्वाइप करने पर हमें अपना गोल्स दिखाई देते हैं। फिर से राइट स्वाइप करते ही हमें अपना हार्ट रेट देखने को मिलता है। यह हमारा 24/7 हार्ट रेट मॉनिटर करेगा। उसके बाद हमारा स्ट्रेस मॉनिटरिंग दिखाई देते हैं। और उसके बाद इसमें 14 डिफरेंट स्पोर्ट्स मोड का ऑप्शन दिया है Noise ने, जो मुझे बहुत अच्छा लगा। उसके बाद इसमें वेदर का ऑप्शन है और म्यूजिक कंट्रोल भी कर सकते हैं इस वॉच से। नीचे से ऊपर स्वाइप करते ही हमें उसका कंट्रोल सेंटर देखने को मिलता है, जिसमें कि हम वॉच का ब्राइटनेस सेट कर सकते हैं। ये 3 लेवल्स में डिवाइडेड है और फिर हमें D&D मोड देखने को मिलता है और इसमें रेस टू वेक और फाइंड माई फोन का ऑप्शन भी Noise ने प्रोवाइड किया है।
हम ये स्मार्ट वॉच पे कस्टम वॉच फेसेस भी सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके लिए हमें ऐप ओपन करना है और वॉच फेस में जाना है। उसके बाद हमें गैलरी में जाना है और जो मन चाहे हम उस फोटो पे क्लिक कर सकते हैं। फोटो को क्रॉप कीजिए और फिर आप फोटो को सेलेक्ट कर सकते हैं आपके वॉच के वॉच फेस बनाने के लिए। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये फोटो अब हमारा वॉच फेस बन चुका है। वॉच का क्राउन बटन दबाते ही हमें उसका फुल मेन्यू दिखाई देता है। गोल्स में पूरा डिटेल्ड व्यू दिया जाता है कि हम पूरा दिन क्या क्या एक्टिविटीज करते हैं। उसके बाद हम वर्कआउट की तरफ जाते हैं। 14 डिफरेंट मोड्स दिया है चेक करने के लिए। हार्ट रेट में हम हमारे पूरा दिन का डिटेल्ड स्टैट्स देख सकते हैं। उसके बाद स्ट्रेस मॉनिटरिंग में का डिटेल्ड स्टैट्स देख सकते हैं कि हमने कितना स्ट्रेस लिया है पूरा दिन में। उसके बाद इधर से हम SPO2 मॉनिटर कर सकते हैं, अच्छा फीचर नॉइज ने इंक्लूड किया है। इधर ब्रीथिंग का भी ऑप्शन दिया है, ब्रीथिंग एक्सेस बहुत अच्छा फीचर है। इस वॉच में हम अपना स्लीप को ट्रैक कर सकते हैं। इधर रिकॉर्ड्स दिया जाएगा। वेदर में एडिशनल 2 दिन का ऑप्शन दिया है जो हम वेदर चेक कर सकते हैं। फिर नीचे की तरफ म्यूजिक प्लेयर में हम यूट्यूब या हमारे म्यूजिक को कंट्रोल, प्ले, पॉज और नेक्स्ट कर सकते हैं। इसमें स्टॉप वॉच का भी ऑप्शन दिया है जो बहुत अच्छा फीचर है। स्मार्ट वॉच में हम अलार्म्स वॉच के थ्रू ही सेट कर सकते हैं। इसमें हमें अपना मोबाइल का जरूरत नहीं पड़ेगा जो बहुत अच्छा फीचर है। रिकॉर्ड्स में हम अपना पूरा दिन का रिकॉर्ड चेक कर सकते हैं। सेटिंग्स की तरफ हमें रेस टू वेक का ऑप्शन दिया है, उसको हम ऑफ भी कर सकते हैं, ऑन भी कर सकते हैं। इसमें बहुत सारे फीचर्स दिया है जैसे कि आप देख सकते हो। क्राउन दबाते ही हम फिर से अपना होम पेज पे आ जाते हैं। स्क्रीन पे लॉन्ग प्रेस करने पर हम फिर से हमारे वॉच फेसेस को चेंज कर सकते हैं। इसका हार्ट रेट सेंसर SPO2 सेंसर बहुत अच्छा है और बहुत एक्यूरेट है। टेस्टिंग के वक्त हमें उसमें कोई प्रॉब्लम दिखाई नहीं दिया है। इसका ब्राइटनेस लेवल भी बहुत अच्छा है, सनलाइट में बहुत अच्छा परफॉर्म करता है। सो अगर ये आपको परचेस करना है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन पे दूंगा। पर गाइस, ये बहुत अच्छा वॉच है। इसके साथ बहुत एसेसरीज भी मिलता है नॉइस की तरफ और ये बहुत प्रीमियम दिखता है। आपको ये स्मार्ट वॉच के बारे में क्या पसंद आया वो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। लाइक कीजिए वीडियो को, सब्सक्राइब कीजिए अगर आप नए हो चैनल पे, और मैं आपको अगले एपिसोड पे देखूंगा।